कंपाउंड स्लैब क्या होती है अभी देखिए क्लास, कंपाउंड स्लैब में क्या होगा, जब दो तीन तरह की स्लैब एक साथ रखी जाएंगे अभी तो क्या हो सकता है अभी देखिए इसमें कैसे पॉसिबल है अभी। देखो एक सिंपल स्लैब मान लेते हैं, ग्लास स्लैब अभी एक ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर पानी डाल दिया अभी तो पानी भी एक मीडियम हो गया, ऊपर एयर है तो तीन बन गए भाई, तो उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड स्लैब। तीन चार ग्लास की कोई ग्लास लिया, कोई प्लास्टिक लिया, कोई रबड़ की ग्लास बना ली, वो भी क्या है अगर एक दूसरे साथ रखे हुए हैं वो भी क्या है कंपाउंड स्लैब है अभी। तो मेरे पास से दो ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक ग्लास स्लैब है उसके ऊपर पानी डाल रखा है अभी, दो मीडियम हो गए ना, और यहाँ पे क्या है एयर है, यस और नो, ये ए है ये बी है ये सी है, वापस क्या है एयर है, कर पाओगे, यहाँ से लाइट आ रही है ये ए बी ज्यादा होंगे तो ना, ये क्या होगा भाई इट वेंट टुवर्ड द नॉर्मल, फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे, अब पता नहीं इसका डेंसर ग्रेयर है लेकिन हम क्या मान लेते हैं ये भी डेंसर है, इससे ज्यादा डेंसर है तो और बेंड होगी भाई, यस और नो, ये फिर रेयर आ गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कर पाओगे ये खासियत है स्लैब की कि लाइट जिस एंगल से एंटर करेगी उसी से एग्जिट भी करेगी, पक्की बात है, तो भाई तो कितनी यूज करो थे आप लोग ठीक है, अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होना चाहिए ठीक है, ये एंगल R1 है तो ये R1 होगा भाई, यस और नो, क्या ये एंगल बराबर होंगे भाई, नहीं होंगे, ये R2 है तो ये भी R2 होगा भाई, क्योंकि बीम्स मुड़ रही है और मुड़ रही है, दूर जा रही है मुड़ रही है भी। कर लोगे टुवर्ड द नॉर्मल्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स कुछ तो होगा, यस और नो, तो ये कंडीशन होंगे भाई। नाम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी, सी तक ले लेते हैं ओके, डायग्राम बनाओ भाई, ये बी है भाई ओके, लिखिए एट सी सॉरी एट ए, ए पे चेक करते हैं भाई, एट पॉइंट ए सिग्नल अप्लाई कर सकते हो ए पॉइंट के लिए भी, क्या आएगा साइन आई बाई साइन आर वन, लाइट कहाँ से कहाँ तक एंटर कर रही है भाई, मीडियम ए से बी में जा रही है, मीडियम ए से बी में भी, यस और नो, दिस द फर्स्ट इक्वेशन, एट बी, बी पे चेक करते हैं भाई कौन सा एंगल इंसिडेंट है बी पॉइंट के लिए, आर वन इंसिडेंट एंगल है, आर टू क्या है रिफ्रैक्ट एंगल, सभी साइन आर वन बाई साइन आर टू, लाइट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, बी से सी में एंटर कर रही है सेकंड मीडियम सेकंड इक्वेशंस पे, सी पे चेक करें भाई, एट सी कितना एंगल होगा अभी क्लास, साइन आर टू बाय साइन आई वन आई सॉरी आई, लाइट कैसे जा रही है सी से ए में जा रही है, इक्वेशन थ्री भी, एनी प्रॉब्लम भाई, सनेल अप्लाई करना सिंपली, कर पाओगे, अरे मुश्किल है क्या कुछ, देख लीजिए रब करते हैं, मल्टीप्लाई वन टू एंड थ्री, मल्टीप्लाई वन टू एंड थ्री तो कैसे लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर वन इंटू साइन आर वन बाई साइन आई आर टू इंटू साइन आर टू बाई साइन आई इज इक्वल टू किसके भाई, तीनों को करो मल्टीप्लाई, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ राइट का राइट के साथ, कितना आएगा म्यू ए टू बी इंटू म्यू बी टू सी इंटू म्यू सी टू ए, अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो सारे कट रहे हैं, तो क्या लिखोगे म्यू ए से बी म्यू बी टू सी म्यू सी टू ए इज इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, अगर आपके पास मोर देन टू या टू हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उनकी गुणा में सब वन आएगी स्लैब्स के अंदर भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमेशा गुणा क्या आएगी वन। ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई कि एक स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है भाई, दूसरे की निकालो कितनी आएगी, निकाल लो भाई दिक्कत क्या रहेगी, कर लोगे दोनों की गुणा वन आएगी तो एक किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा वैल्यू से, समझ में आई बात है, यस और नो, तो तीनों की ये रिलेशन के लिए किया टॉपिक हम लोगों ने, तीनों की गुणा कितनी आएगी, चार लो चार की भी आएगी, दो लो दो की भी आएगी, वन ही आएगी,
जो पहले हमने टॉपिक किया हुआ ग्लास स्लैब का, उसमें भी करके देख लो ये पॉइंट, कोई दो को गुणा करके देख लो, समझ में आ रहा आंसर क्या आएगा, वो ना आएगा अभी। यस बी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक। देखिए अगर आप पानी में देखते हो, आपको लगता है कि पानी का बेस थोड़ा सा ऊपर हुआ है, देखा है कभी? नहीं देखा? ऐसा लगता है कि पानी का बेस एक्चुअल में से डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर है अभी, ठीक है, उसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ भी। तो आपको बताना रिलेशन करना है अपेरेंट डेप्थ में और रियल डेप्थ में फर्क क्या है अभी, ठीक है। ये रहा, ये इसका एक्चुअल डेप्थ अभी, बेस है इसका, ये यहाँ पे कोई सिक्का पड़ा हुआ अभी, क्वाइन ऑब्जेक्ट अभी कोई, ये देखना आपको, तो इस ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही होंगी, तो इमेज तो कुछ ना कुछ तो बनानी है हमको, कहीं ना कहीं तो बनानी पड़ेगी। एक रेज निकल रही है नॉर्मल टू द मीडियम्स भी, क्या होगा भाई बताओ? आफ्टर रिफ्रैक्शन स्टेट जाएगी, स्पेशल केस था नॉर्मल का, अगर बीम स्ट्राइक करती है नॉर्मली टू द मीडियम्स वो स्टेट चली जाएगी बिना मोड़े हुए भी, ये सर ना। दूसरा, एक बीम जा रही है ऐसे, इमेज बनाने के लिए कम से कम दो बीम तो चाहिए मेरे को, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक किया अभी, यहाँ पे ड्रा करते हैं नॉर्मल्स, ये कुछ एंगल होगा भाई, इट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स। अगर आप इसको पीछे मिलाओ तो ऐसा लगेगा कि बीम्स यहाँ मिल रही हैं, यस सर नो, तो यहाँ पे क्या बन रही होगी इसकी इमेज, तो आपको ये एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है अभी, कर पाओगे? आप देख कहाँ से रहे हो, आंख लेके आप यहाँ आए हो, यहाँ से देख रहे हो ना ऐसे, समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो ये क्या है आर मान लेते, कर पाओगे? डायग्राम बनाइएगा। तो इसकी रियल डेप्थ क्या भाई, इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ, रियल डेप्थ क्या है एक्चुअल में? ए ओ इज द रियल डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ क्या है? ए आई इज द अपेरेंट डेप्थ, से देख रहे हैं अभी हम तो, यहाँ से देख रहे हैं आईज, पानी से बाहर देखोगे तो पानी से बाहर देखोगे आपको इमेज कहाँ दिखाई दे रही है? इस पॉइंट के ऊपर, तो आपके लिए रे जैसे जा रही है अभी, यस आर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपके लिए आर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट अभी, और आई क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट के लिए उल्टे हैं, तो वही बाज है एक बच ली अभी, समझ में आई बात है? कर पाओगे? तो इस कंडीशंस में देखिए, अगर मैं पॉइंट ए पे अप्लाई करता हूँ सुनेल्ला भी, लिखिए एट पॉइंट ए, ए पे सुनेल्ला अप्लाई कीजिए, किसके लिए? आपके लिए, आप देख पा रहे हो चीज़ को, ठीक है, तो क्या आएगा क्लास बताइएगा मेरे को? साइन आर बाई साइन आई, आपके लिए इंसिडेंट एंगल आ रहा भाई, ऐसे लाइट आ रही है आपके लिए, तो हाँ सॉरी बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी आपके लिए आर क्या है? इंसिडेंट एंगल है, और आई क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल्स है, और आपके लिए लाइट कहाँ से कहाँ तक आ रही है? एयर से वाटर में जा रही है अभी, एयर से वाटर में, ऐसे लिखते हैं हम लोग, यस सर नो, तो हमको मेन काम है आई और आर निकालना भी, किसी भी ट्रायंगल्स यूज करते हुए भी, तो इनको निकालने के लिए मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, मैं ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूँ, इन द ट्रायंगल्स ए ओ बी या ए बी ओ, इन द ट्रायंगल ए बी ओ दिख रहा है क्या इस ट्रायंगल से? आप अब एंगल देखिए क्लास, एंगल में कुछ दिख रहा है आपको? ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे भाई, ऐसे जेड बन रहा है, यस सर नो, ये कितना होगा? आई, ये आर है भी, ये लाइन पूरी खींची हुई ऐसे, दो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन को बीच से काट रही है, तो ये एंगल्स और ये एंगल बराबर होंगे, यस सर नो, दिख रहा तुम लोगों को भी? तो ये आर है तो ये भी आर होना चाहिए भी, ये लाइन पूरी आ रही है ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन से एंगल बनते हैं इनको वैसे, ये वाले मेरे को पता नहीं कौन सा, जो भी है बराबर होते हैं भाई, यस सर ना, कर लोगे? तो इस ट्रायंगल्स के अंदर इन ट्रायंगल ए ओ बी चेक करो भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आई बी, इन द ट्रायंगल ए ओ बी या ए बी ओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आई?
इस ट्रायंगल्स के अंदर ए बी ओ के अंदर साइन आई किसके बराबर होगा? ये तो हो गया परपेंडिकुलर भी, यस और नो? क्लस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा? ए बी बाई ओ बी, ए बी बाई ओ बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा भाई, इस ट्रायंगल्स के अंदर इन द ट्रायंगल ए बी आई दिखाई दे रही है, इन द ट्रायंगल ए बी आई दिस ट्रायंगल्स भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर? अगेन परपेंडिकुलर बाई, तो ए बी बाई बी आई या आई बी जो भी है, कर लोगे? एनी प्रॉब्लम क्लास? इनको फर्स्ट में पुट कर दूं भाई दोनों को, आई आर आई की वैल्यू मेरे पास है भाई, तो फर्स्ट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा भाई? लेकिन पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशंस भी, तो फर्स्ट ये रही, साइन आर कितना भाई? ए बी बाई बी आई डिवाइड बाई साइन आई कितना है? ए बी बाई ओ बी उल्टा हो जाएगा भाई, कर दूं? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ओ बी बाई ए बी इज इक्वल टू म्यू, म्यू ले लूँ, किसका म्यू है? वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर भाई, क्योंकि वाटर में एंटर कर रही लाइट्स, यस सर ना? हमारे अकॉर्डिंग तो वही कर रही है, हम तो हमारे अकॉर्डिंग कर रहे हैं सारा काम, यस सर ना? मछली अकॉर्डिंग करें तो उल्टा हो जाएगा, वाटर से कहाँ जा रही है लाइट? एयर में जा रही है, कर पाओगे इस बात को? तो ए बी से ए बी काट दें, तो ओ बी इज इक्वल टू बी आई इज इक्वल टू म्यू, लिख भी दो, एयर से वाटर याद रहेगा, हम एयर से वाटर यूज कर रहे हैं, कर लोगे? यस सर ना? अब इसमें चेक कीजिए, ओ बी जो है, ओ बी कुछ नहीं है अभी एक्चुअल में देखा जाए तो, ओ आई भी कुछ नहीं है। अगर मैं ये मान लूँ कि एंगल्स छोटे हैं मेरे भी, स्मॉल एंगल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो स्मॉल एंगल यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा? बी पॉइंट ए के नज़दीक आ जाएगा अभी, ऑप्टिक्स का कन्वेंशंस है कि एंगल शुड बी स्मॉल भी, सारे एंगल छोटे लीजिए, साइज छोटे लीजिए, अच्छा डायग्राम बनेगा भी, कर लोगे? अगर मैं एंगल छोटे ले लेता हूँ तो एंगल छोटे लेने से फ़ायदा क्या है? ये बी पॉइंट कहीं ए के नज़दीक हो जाएगा अभी, अगर बी पॉइंट ए के नज़दीक हो गया तो ओ बी और ओ ए बराबर हो जाएंगे, लगभग तो बराबर होंगे, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। अब पानी में एग्जैक्ट थोड़ी मापेंगे हम लोग, कितना हाइट पे है, कितना डेप्थ पे है, अप्रोक्सीमेशन आंसर आएगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख लीजिए, इफ एंगल्स आर स्मॉल भाई, इफ एंगल्स आर स्मॉल देन, इफ एंगल्स आर स्मॉल देन बी पॉइंट लाई नियर टू ए, बी पॉइंट लाई नियर टू ए, बी जो है वो ए के नज़दीक होगा भी, कि ओ बी इज नियरली इक्वल टू, इसको इक्वलेंट बोलते हैं, ओ ए, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए भी, ये बी पॉइंट यहाँ पे होगा तो, यस और नो? नॉट इक्वल बट इक्वलेंट मैंने वर्ड यूज किया है इसके लिए। यहाँ पे बी आई इज इक्वलेंट टू किसके भाई? ए आई, बी आई इज इक्वलेंट टू ए आई, यस और नो? अब पुटिंग द वैल्यूज भी, ओ बी का क्या लिख सकता हूँ? ओ ए डिवाइड बाई ए आई इज इक्वल टू म्यू, एयर से वाटर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप ढंग से देखिएगा, ओ ए इज वाट भी, इज अ रियल डेप्थ भी, ओ ए क्या है? रियल डेप्थ, और ए आई क्या है? अपरेंट डेप्थ जो आपको दिख रहा है, तो रिलेशन क्या है अभी? रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर भी विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है? ठीक हो जाएगा, सी रिलेशन है, ओके भाई। अब क्वेश्चन उल्टा पूछ सकते हैं, एक बाज मछली से 15 मीटर ऊपर उड़ रहा है भाई, ठीक है, मछली से एक्चुअल उसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर भी, ओके भाई। तो मछली को बाज किस डेप्थ या किस हाइट पे अपीयर होगा भाई? अब मछली के अकॉर्डिंग काम करना आपको भी, मछली के अकॉर्डिंग काम करना, तो ऑब्जेक्ट ये है आपका भी, लाइट ऐसे जा रही होती है, या सर उल्टा हो जाएगा सर ऑफ टॉपिक्स भी,
लाइट कैसे आ रही होगी? वाटर से एयर में जा रही होगी। तो क्या होगा ऊपर, क्या होगा अपरेंट डेप्थ, नीचे क्या होगा रियल डेप्थ, समझ मतलब हाइट मान लीजिए उस पॉइंट पे आ गया आप उसको। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कर पाओगे तो उसके छोटे आप निकाल सकते हो किस उस पर हाइट पे अपीयर हो रहा है। उसी तरह से बाद का क्वेश्चन बनता है फिर वहाँ पे, और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बताएंगे अभी ये करने चाहते यहाँ पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज रिफ्लेक्शन। टॉपिक रिफ्रैक्शन चल रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं अभी रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या है अभी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी। दो नंबर में, तीन नंबर में, पता नहीं कितने, एक नंबर में पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चंस भी, इसकी एप्लीकेशंस भी आएंगी। ठीक है, देखो अभी क्लास क्या होता है अभी समझ लीजिए एक बार। तो ये मीडियम है भाई, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया अभी, ऑब्जेक्ट से लाइट पास हुई नॉर्मली तो बिना मुड़े चली जाएगी, अभी किया कर लोगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करवाई हुई, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बना होगा, इंसिडेंट एंगल्स भी, या सर ना, और लाइट मुड़ गई होगी ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स भी, या सर ना। फिर एक और बीम निकाल दी, कितने भी निकाल सकते हम लोग। इस आई में इस आई में फर्क क्या है अभी? ये आई बड़ा अभी, दूर जा रहे हैं ऑब्जेक्ट से, कर लोगे। ये आई बड़ा है तो और ज्यादा दूर मुड़ेगी इससे भी, यस सर ना, म्यू तो वही है, कर पाओगे तो और ज्यादा दूर होगी भी इससे। ये आर है भाई, ओके। एक और बीम निकाल ली, ये आई फिर बढ़ गया अभी, हो सकता है अभी मैं चले जाए बिल्कुल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एंगल कौन सा हो रहा है? 90 डिग्री में, कितना हो रहा है 90। जिस एंगल पे इंसिडेंट एंगल्स के ऊपर रिफ्लेक्टेड 90 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल्स भी। लिखवाऊंगा अभी इसको, सी से लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल्स। फिर एंगल बढ़ा दिया मैंने, अब क्या होगा भी? देखो रिफ्लेक्शन का रूल तो वही है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स भी, फिर बढ़ेगी अवे आपकी बार उसी मीटिंग में वापस आ जाएगी, यस आर नो। ये कंडीशन क्या हुई है? जब आई बड़ा हुआ है सी से, आई बड़ा हुआ है सी से, तो ये उसी मीडियम में क्या होगी? वापस आ गई। हम करवा रहे थे रिफ्रैक्शन, हो क्या गया? रिफ्लेक्शन मीडियम चेंज नहीं हुआ अभी, यस आर नो। जहाँ मीडियम चेंज नहीं होता वो क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जहाँ हो जाए उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हम करवाना चाहते थे रिफ्रैक्शन, हो क्या गया? रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी। समझ में आया भाई? यही करना है, पूरा लैंग्वेज में लिखना है हमको ये चीज़, क्या करना बनाइएगा। लिखिए, ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन, ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम when beam travel from denser to rare medium it bend away from the normal. Okay, it bend away from the normal as shows in point ABD, जैसे दिख रहा है पॉइंटों में हमको, हो जाएगा पूरा नहीं बताएंगे, एक पॉइंट बताएंगे, सारे पॉइंट हो गए यहाँ पे कंप्लीट भाई, कर पाओगे। अब लिखिए एट पॉइंट बी, बी पे कुछ खास हो रहा है अभी, एट पॉइंट बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकेम 90 डिग्री भी, एट पॉइंट बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकेम 90 डिग्री एंड रिफ्रैक्टेड बीम
एंड रिफ्रैक्टेड बीम मूव पैरेलल टू द सॉरी मूव ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम भी ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम कैसे ट्रेवल करते बीम्स सरफेस पे ट्रेवल कर रही है अभी ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल भी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल इस एंगल को क्या नाम दिया गया है क्रिटिकल एंगल जहां पे आर की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री हो जाएगी समझ में आया भाई आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर भी नेक्स्ट लाइन में लिखना आपको when angle of incident is greater than क्रिटिकल एंगल भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन रिफ्रैक्टेड बीम कम बैक इन द डेंसर मीडियम भी कम बैक इन द डेंसर मीडियम दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या नाम दिया गया इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी बता दो कर पाओगे अब देखिए अभी क्लास आगे देखो अब ये तो हो गया हमने जो लिखा है इसमें अभी अब पॉइंट ये है क्लास इसमें कि कंडीशन क्या हो सकती है अभी आपको ये होता तो नहीं हर जगह तो नहीं होता पॉसिबल नहीं है कुछ खास कंडीशन पे ही हुआ है ये खास कंडीशन में बीम मुड़ी है ऐसे नहीं तो इसमें नहीं मुड़ी कभी नहीं मीडियम में तो कंडीशंस क्या हैं लिख लीजिए इसमें कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको क्या लग रहा है पहली कंडीशन क्या हो सकती है अभी आई इज ग्रेटर देन उससे पहले भी एक कंडीशन है लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम यस सर नो पहला पॉइंट भाई लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम जरूरी है भी बताऊंगा इसका रीजन क्या है सेकेंड पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल भी एंगल आई जो होगा वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए भी एंगल सी से बड़ा होना चाहिए भी तब पॉसिबिलिटी है भी एंगल आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल्स भी समझ में आया इमेजिन करो अभी लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर रेयर से डेंसर मीडियम में क्या पॉसिबिलिटी है कि रिफ्लेक्शंस हो जाए अभी रिफ्लेक्शंस ये रेयर मीडियम अभी क्लास ओके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई ये ऐसे मुड़ेगी ये उल्टी इसमें नहीं जाएगी कभी भी ये इस तरफ मुड़ेगी ऐसे अब बोलो इसमें मुड़ के उल्टी आ जाएगी नहीं आएगी भाई समझ में आ रहा है इतना कुछ नहीं होने वाला भाई कर लोगे ये ऐसे मैक्स में ऐसे जा सकती है कर पाओगे तो सी कंडीशन क्या है डेंसर से रेयर में ही जाना चाहिए रेयर डेंसर में पॉसिबल नहीं है कर पाओगे भाई ये था भाई आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सुनाते हैं भाई एप्लीकेशन ऑफ टोटल बातें नहीं करनी बोलो क्या हो जाता है एकदम से तुम लोग को मौका नहीं मिलता बात करने का भाई ब्रिलियंस ऑफ ए डायमंड डायमंड की वैल्यू क्या है अभी डायमंड को क्या करते हैं तराशते हैं क्यूबिक्स बनाते हैं उसके अंदर से इस तरीके से बनाते हैं क्यूबिक कि उसके अंदर लाइट कैद हो जाए अभी लाइट बाहर ही ना निकले उससे तो हर बार डायमंड क्या करेगा ब्रिलियंस दिखाएगा चमकेगा वो इसी की वैल्यू है समझ में आया पत्थर की आप जो 200 का डायमंड पहनते हो भी डायमंड ही है अभी क्लास और जो 2 लाख का पहनते हो भी डायमंड है फर्क किसका आ जाता है सर अब उसको तराशने का फर्क आता है तो क्या करते हैं हमने डायमंड की शेप देखी होगी भी ऐसा कुछ डायमंड का शेप होता है
ऐसा कुछ बनाया जाता है। यस सर नो, डायमंड की शेप जो होती है ना, डायमंड की जो वैल्यू है उसकी ब्रिलियंस से, चमक से होती है। ठीक है, अब कैसे कट करते हैं डायमंड को, कटिंग की जाती है डायमंड्स की भी। कटिंग ऐसे करते हैं कि लाइट देखिए यहाँ पे लाइट चली गई भी, ओके लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर में, डेंसर में घुस गई तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यस सर नो, रिफ्रैक्शन हुआ। ये इस तरह से कटिंग करते हैं कि हर बार इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाए। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये ट्राई कर रही है बाहर निकलने की, यहाँ से लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फर्स्ट कंडीशन पूरी हो जाती है मेरी। और उसका आई हमेशा किससे बड़ा होगा, सी से बड़ा जाता है, इसलिए इस तरह से कटिंग करते हैं। फिर यहाँ पे जाती है, सेम यहाँ पे होती है, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करती है। ये डायमंड के अंदर लाइट क्या जाती है, कैद हो जाती है अभी, और जितनी बार स्ट्राइक करती है उसके फेसिस के ऊपर उतनी बार चमक बनती है डायमंड्स में। समझ में आया, इसको बोलते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, इट इज ए एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ये इसका वैल्यू है अभी, न कि इस पत्थर का भी जिसको तराशा गया। कर पाओगे, लिख लीजिए अभी, लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, ये याद होनी चाहिए भी आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ये हाईएस्ट होती है अभी, इससे ऊपर किसी की नहीं होती। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। एक पॉइंट मिस हो गया अभी उस टॉपिक में, पहले वाले में कर लेते, अभी करते हैं इसी में कर लेते, चलो टॉपिक्स में लिख लीजिए। एट पॉइंट, वो पॉइंट मैंने कौन सा यूज, जहाँ पे आई इज इक्वल टू 90, आर इज इक्वल 90 डिग्री था, कौन सा पॉइंट था वो, बी था, इसमें लिख दूं, इसमें लिखते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, इसी का टू पॉइंट लिख दो, अरे गुजरा एक मिनट लिखो तो, एट पॉइंट बी, बी पे चेक करो भी क्लास, बी पे आप बाहर से देख रहे हो भाई, बाहर से देख रहे हो तो कैसे दिखाई देगा आपको, स्नेल अप्लाई करो, साइन आर बाई साइन आई, बाहर से देख रहे हम तो, मीडियम से बाहर से देख रहे हैं हमको तो, यस आर नो, लाइट कैसे आ रही है, एयर से मीडियम में, एयर से वाटर ले लूँ, वाटर ले लेते, कुछ भी ले लो एयर से मीडियम में भाई, कर लोगे। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आर का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भी, 90 डिग्री, कब हुआ था, जब आई कितना था, सी था भाई, आई कितना था, सी, यस आर नो, तो पुटिंग द वैल्यूज भाई, तो कितना आएगा, साइन 90 बाई साइन सी इज इक्वल टू म्यू, म्यू किसका है, मीडियम का, विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम्स या एयर, जो भी यूज कर रहे हो आप लोग, कर पाओगे, साइन 90 कितना होगा, 1, यस आर नो, तो मिल सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू किसके भाई, 1 बाई साइन सी, सही है, यस आर नो, या साइन सी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 बाई म्यू, यस आर नो, समझ में आ रहा है, ये आपको उसमें लिखना होता है भाई, जो वन टॉपिक, 3 नंबर में टॉपिक, ये भी लिखना होता है, कर लोगे। अब अगर आपके पास म्यू का वैल्यू है, क्या आप आई सी निकाल सकते हो इसका भी, इजीली कर पाते हैं, ठीक है, लिख दिया, ये डायमंड में क्या लिखवा था मैंने, इतना हो गया भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, यही था, एंड एंड लिखिए आगे, क्रिटिकल एंगल इज, क्रिटिकल एंगल इज 24.2, या 4 होता है, एक बार चेक कर लेता हूँ, 24.4 भी डिग्री, क्रिटिकल एंगल इज 24.4 डिग्री निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर पाओगे। इसका म्यू निकाल लिया, इसका सी निकाल लिया, अब उसको कटिंग करना है, इस तरह से कटिंग करते हैं कि एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वैल्यूज भी, उसमें आई हमेशा किससे बड़ा हो जाए, इससे, तो क्या दिखाएगा, वैल्यू क्या, उसमें क्या दिखाएगा फिर आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा भाई, कर लोगे। तो इसमें ये सी का वैल्यू है 24.4, लिख लीजिए, वी कट द डायमंड इन सच ए वे दैट, वी कट द डायमंड इन सच ए वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज
एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 24.4 डिग्री, ऑलवेज ग्रेटर देन 24.4 डिग्री एंड इट्स शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी।